नमस्ते। और पहला उत्तराखंड यार, कहते हैं ना कि दुनिया में अच्छे लोग मिलते रहते हैं, टकराते ही रहेंगे, और अच्छे लोग हैं तभी ये दुनिया चल रही है, यानी कि दोनों तरह के लोग हैं। तो अगर आप कभी ये मानता है कोई कि बस दुनिया में तो बुरे ही लोग हैं या दुनिया में बुराई है, तो भूल जाओ, वरना ये दुनिया नहीं चल रही होती है ना। और अक्सर चीज़ों को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ हमारे इर्द गिर्द से, और आज तो इत्तेफाकन मेरे साथ ही ऐसा हुआ। बताता हूँ क्या हुआ, आगे पूरा वीडियो देखना यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल पर, ठीक है। तो बात कुछ यूँ है कि आज सुबह जब मैं निकल रहा था, मुझे कहीं जाना था और हाईवे पे था, अच्छी खासी ठीक ठाक स्पीड थी, और साथ ही यानी कि स्कूटी जो मेरी बकरी है, बकरी में मैं चल रहा था। फिर बकरी का साथ हो, मैं हूँ, और साथ ही इतना सुंदर ब्यूटीफुल दून से जब बाहर की तरफ निकल रहा था, ऑटो की तरफ को, सडनली होता क्या है, मुझे कहीं पहुँचना था टाइम पे, और मैं टाइम का बहुत पर्टिकुलर हूँ, है ना भाई, एथलेटिक कोच हैं तो घड़ी से ही चलते हैं हम, सेकंड के हिसाब से चलते हैं। तो आज भी टाइम पे पहुंचना था मुझे, और जो मैंने टाइम दिया था, हालांकि मैं उससे पहले ही पहुंच गया, वहां जाते भी मैंने सबसे पहले यही कहा, देखिए मैं फिर भी टाइम पे पहुंच गया। तो स्कूटी की, चलिए ये छोड़ते हैं, और स्कूटी की बेल्ट टूट गई, चली नहीं, स्टार्ट हो रही है, चली नहीं है, क्या करें भाई। धक्का मारते मारते पसीना निकला, 1 किलोमीटर का मतलब धक्का मारते मारते लाया, वो तो शुक्र है सिर्फ एक ही चलना पड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, या हो सकता है 700-800 रहा हो। लेकिन सडनली होता क्या, बहुत लोग मेरे अगल बगल से गुजरे, और कईयों को मैंने सोचा रोकूं, लेकिन मैं हाथ नहीं दे पाया क्योंकि गाड़ी आ रही थी, और कईयों को मैं सोचा बोलूँगा क्या यार रोक के, मुझे बैठा के ले जाओ, क्योंकि मुझे तो स्कूटी लेके आगे बढ़ना था। तो फिर सडनली होता क्या है, एक लड़का यूँ ही रहा होगा, यूथ बिल्कुल, यानी कि 25-26 का रहा होगा, वाइट शर्ट पहने और स्कूटी में हेलमेट के साथ में मास्क लगाए हुए, मेरे बगल में आके पूछता है, भाई जी क्या हुआ, तेल ख़त्म हो गया? मैंने कहा नाना तेल तो पूरा भय भाई, और अभी भरवाया बल्कि थोड़ी देर पहले, और सचमुच उससे थोड़ी देर पहले टैंकी फुल करके आ रहा था, और मैं पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट हो रही है, चल नहीं रही है, तो ऐसा कभी हुआ होगा, बोला भाई जी बंद कीजिए, फिर बंद करके फिर स्टार्ट दिया, स्टार्ट हो रही है लेकिन चल नहीं रहा, घूम आवाज आ रही है। तो भाई ने बोला कि भाई जी इसकी तो बेल्ट गई। मैं मैकेनिक आ गया, बोला भाई जी बैठो धक्का मारो, उसने बैठा, बोला स्कूटी ऑफ कर लो, स्कूटी ऑफ की, और भाई ने पीछे से पैर से धक्का लगा दिया, छित्तर वाला ब्रिज क्रॉस हुआ, मतलब ब्रिज के ऊपर पता ही है ना आपको कितना जोर लगता मेरा लेकिन वो ये पसीना भीग चुका था मैं तब तक, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो भाई जी ने फिर वहाँ से फिर धक्का मारा, और ठीक मुझे मैकेनिक के वहाँ पर ला कर रुका। इत्तेफाक ये था कि आज से कुछ दिन पहले मैं फिर गुजरा था, तब भी मैं उसी मैकेनिक के पास पहुँचा था, तो वहाँ देखा तो बेल्ट, आज एक चीज़ ये पता चली कि स्कूटी में बेल्ट भी होती है, जहाँ चेन होती है बाइक में, वहाँ स्कूटी में बेल्ट होती है, हैं प्रॉब्लम। तो चेंज वेंज किया, और मैं भाई का नाम ही नहीं पूछ पाया, भाई से धन्यवाद जरूर कहा मैंने, लेकिन इतना पता है कि वो गढ़वाल से था, क्योंकि उसकी टोन बता रही थी, है ना। तो भाई जी यार आप जहाँ भी हो, नाम भले ही ना जानते हैं लेकिन दिल से जुड़े हैं हम, और आपको सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ यार आप यूँ ही रहें, खूब तरक्की करें। और भाई ने बोला मैं जा रहा हूँ नेपाली फार्म, है ना तो मैंने कहा ठीक है, फिर भाई वहाँ से आगे ना फ़ोटो क्लिक कर पाए, और ना ही मैं भाई से नाम पूछ पाया, लेकिन भाई जी जो भी थे कमाल हो यार, आपको सही में है, इंसानियत है अभी भी, और बहुत कुछ है, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है, कहने का मतलब कि वो मुझे ये सिखा गया कि भाई इस तरह से कहीं भी कोई भी चीज़ दिखे तो हमको भी पूछ लेना चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने कहा ना कि कई गाड़ियाँ गुजरी हो, कई वो हुआ, मैं हेलमेट पहना हुआ था, बैग था मेरे पीठ पे, और उसके बाद में मैं जा रहा था स्कूटी को धक्का मार, है ना, लेके चल रहा था, तो भाई को कुछ लगा होगा, अपने आप ही रोक लिया, मैंने तो नहीं बोला तो रोका। आज के बाद मुझे ज़रूर ये सीख मिल गई कि कभी भी रास्ते में इस तरह से कोई हो तो भाई नरेश रुक जाना और पूछ लेना हाल खबर कि क्या है भाई, स्कूटी तो है और पैदल क्यों चल रहे हो, ऐसे कुछ हुआ, और मैं फिर करके आगे बढ़ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छाई बहुत है दुनिया में, आप अच्छे काम करते रहो तो लोग भी आपको अच्छे मिलते रहेंगे, और जब अच्छे लोग मिलेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, फिर चाहे सफ़र कैसा ही हो, आपका जो मंजिल है वो आपको मिलनी है, और अच्छे से आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, जैसा कि आज हुआ, अच्छे से पहुंचा और फिर भी वक्त से पहले पहुंच गया, जो समय वहां दिया था उससे पहले मैं वहां पर पहुंच गया, है ना। तो धन्यवाद किन का, उन भाई जी का और ऊपर वाले का, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहता है, कुछ ना कोई मिल जाता है आपको, अगर आप सही से चल रहे हैं, और दुनिया अगर अच्छी है तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया तो मज़ेदार है और अच्छे लोग भी मिलते ही रहेंगे। आप
यहीं चलते रहिए, जितना आपसे हो सकता है आप करते चलिए, जो आपसे नहीं होता वो कोई और करता हुआ चलेगा, यानी कि वो कर सक रहा होगा जो आप नहीं कर पाए, और वो नहीं कर सकता होगा जो आप कर पाए। तो इसलिए क्या, जो भी है जैसा भी है, मिलते रहे, करते रहें, बढ़ते रहे। फिलहाल वो भाई जी जिन्होंने मुझे मदद की थी, जाने अनजाने जैसा भी ना एक दूसरे को जानते हैं, भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप खूब तरक्की करें, जहाँ भी रहें जैसे भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और यहीं मुस्कुराते रहें, दुनिया में अच्छाई यहीं बांटते रहें, ताकि लोगों का अच्छाई पर विश्वास बना रहे।